जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान राजस्थान के दौसा जिले के मानपुर पुलिस थाने में एक छात्रा ने सामूहिक गलत वारदात को अंजाम देने का मामला दर्ज करवाया है। इसी दौरान FIR में बताया कि वह पासी के गांव में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। 3 दिसंबर को वह स्कूल जाने के लिए स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। उस वक्त भदेड़ी निवासी सेबू सुमेर और गोविंद बाइक लेकर वहां पर आए और उसे जबरनी बिठाकर दौसा एक कमरे पर ले गए, जहां पर तीनों ने बारी बारी से गलत वारदात को अंजाम देते हुए फोटो वीडियो बना लिए थे। इसके बाद उसे गाँव के पास छोड़कर चले गए। इसी दौरान घटनाक्रम के बारे में किसी को बताने पर फोटो वीडियो वायरल करने के लिए भी धमकाया। इसके बाद तीनों युवक उसे बार बार फोन कर मिलने और वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देते रहे। युवती ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि वह 2 जनवरी की सुबह 7 बजे वह एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में स्कूल के पास तीनों युवक फिर से आए और उसे बैठाकर फिर से दोसा ले गए थे, जहां पर तीनों ने उसके साथ फिर से सामूहिक गलत वारदात को अंजाम दिया है और फिर से वीडियो फोटो भी बनाए थे। इसके बाद उसे गाँव छोड़कर फरार हो गए थे। डरी सहमी युवती ने 6 जनवरी को उसकी माँ को घटनाक्रम के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने मामले की रिपोर्ट को दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।